हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं बेकरी स्वैप का जो बेक टोकन है उसका रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें पार्टिसिपेट लेना ठीक ठाक रहेगा या नहीं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, और मैं थोड़ा सा इसका बेकरी स्वैप को यूज करना भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो बेकरी स्वैप .org ओपन कर लेते हैं, कनेक्ट टू मेटामास्क कर लेते हैं, ठीक है। मेटामास्क से कनेक्ट हो जाएगा, BNB चेन के साथ इसका कोलैबोरेशन हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, इसमें पासवर्ड लिख के आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। पासवर्ड लिख के आपने इसमें कनेक्ट कर दिया और आफ्टर सम टाइम ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होता है तो अगर आपके पास BNB है, जैसे कनेक्ट हो चुका है, अगर आपने सबसे पहले टॉप पे क्या आता है, एक्सचेंज आता है, ठीक है, ट्रेड का ऑप्शन आता है, उसमें क्या है एक्सचेंज आएगा। तो अगर एक्सचेंज यूज करनी है, जैसे आपके पास BNB अवेलेबल है तो आपने इसको किसी और टोकन में स्वैप करना है, जैसे USDT में, तो बेसिकली सिलेक्टेड टोकन करके कॉन्टेक्ट एड्रेस यहाँ पे लिखोगे तो USDT आ जाएगा, ठीक है, USDT आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो USDT यहाँ पे दिखने लग जाएगा और USDT जितने भी होंगे आपके पास दिखने लग जाएंगे, या खाली USDT आ जाएगा, मैक्स करोगे BNB के साथ या कुछ कितना भी BNB का अमाउंट यहाँ डालोगे, यहाँ पे करके स्वैप का ऑप्शन यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, फिर बाद में दिखेगा जब भी यहाँ पे लिक्विडिटी डाल के आप वो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन आते ही क्लिक करोगे, अप्रूव होगा, फिर स्वैप भी कर पाओगे। इसके अलावा लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा स्वैप्स वगैरह हो रही है, इसमें मैं अर्निंग कर सकता हूँ, तो ऐड लिक्विडिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कोई से भी दो टोकन में, ठीक है, जैसे $3 का BNB, $3 का USDT डाल के, या कितना भी आपका, जैसे आपका बजट हो। फिर उसके बाद आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो और जब भी इसमें कोई स्वैप होगा, फीस वगैरह का कोई भी डिस्काउंट मिलना होगा तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अभी इसके बाद में मोस्ट ऑफ द स्पेशल थिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, अर्निंग। तो फ्रेंड, अर्निंग में क्या है, अर्निंग में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें क्या है, NFT को भी रख के अर्न कर सकते हो, और लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा इसकी स्टेकिंग के बारे में, ठीक है। स्टेकिंग बहुत सारे ऑप्शन में दी गई है इसके अंदर। सबसे पहले मैं बताऊं, एग एंड BNB, एग एक टोकन है, टोकन और BNB को यहाँ पे दोनों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, तो सिलेक्ट का ऑप्शन करोगे, दोनों टोकन आपके पास होने चाहिए, ठीक है, दोनों की लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि BLP, तो यहाँ पे आप अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है तो BLP टोकन यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेक करोगे, हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्ट मतलब स्टेकिंग का जो रिवार्ड होता है वो हार्वेस्ट होगा, आपको ऐसे LP टोकन आपके इंक्रीज होते जाएंगे, और इस और वो LP के बेस के ऊपर यहाँ पे LP दिखेगा, जो LP के बेस पे आपको यहाँ बेक अर्न होंगे, ठीक है। जब बेक अर्न होंगे आपको तो वो हार्वेस्ट करोगे, तो ऐसे ही वो बेक आपके वो वॉलेट में चले जाएंगे, फिर उसके बाद आप उसको फिर लिक्विडिटी डालोगे, फिर दोबारा आपको ऐसे ही बेक अर्न होते चलेंगे, ऐसे ही सर्कुलेट बनाना पड़ेगा आपको। इसको थोड़ा सा वो भी कहते हैं कि भाई फार्मिंग भी बोलते हैं इसको, अगर आप इस तरह से फार्मिंग कर सकते हो टाइम देके तो आप कर सकते हो, फ्यूचर में अगर इसका रेट बढ़ेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। एनीवे, तो ये तो मैंने बताया आपको दो टोकन में जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप बेक टोकन अर्न कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द ऐसे ही है, दो टोकन और उसके बाद LP टोकन मिलेंगे। सबसे अच्छा मैं क्या समझता हूँ, मैं इसको समझता हूँ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, डिपोजिट बेक एंड अर्न बेक। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जितने भी हैं आप डिपॉजिट करके अप्रूव्ड करोगे, अप्रूव्ड के बाद आपके पास जितने भी टोकन होंगे यहाँ दिख जाएंगे, दिखने के बाद आप इसको अप्रूव के बाद जब अप्रूव कर लोगे उसके बाद आएगा स्टेक का ऑप्शन आएगा, स्टेक करोगे, स्टेक करने के बाद जैसे आप स्टेक करोगे तो यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी उसी टाइम, जैसे पैनकेक स्वैप पे केक टोकन की होती है, ठीक है, कुछ सेकंड्स में आपके जो टोकन दिखने लग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम वही एल्गोरिदम है, कॉपी एंड पेस्ट है ये प्रोजेक्ट पैनकेक स्वैप का। और मैं सबसे पहले ये कहता हूं आपको, सबसे ज्यादा ईजी जो सब्जेक्ट है इसमें स्टेकिंग का ऑप्शन है, लोग स्टेकिंग यूज करने के लिए इसके ऊपर आते हैं, ज्यादा स्वैप वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते जो समझदार लोग हैं, स्टेकिंग थोड़ी बहुत छोड़ देते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ओपन मार्केट पार्टनरशिप गेम से रिलेटेड एसेट्स वगैरह है, यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। बेकरी गैलरी है जिसमें
वो होगा इसमें बेकरी जो गैलरी है इसके अंदर नॉन फंजिबल टोकन होंगे, एनएफटी वगैरह होंगे। लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड पे ऊपर आप जाके बहुत सारे जो इनके जो लॉन्च पैड पे जो टोकन सेल आ रही है उसके ऊपर पार्टिसिपेट ले सकते हो। गेमिफिकेशन है, ठीक है, गेम्स वगैरह से रिलेटेड कुछ एनएफटी वगैरह बाय करने हो, ट्विटर मीडियम एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन हो इस पर जाके आप पूछ सकते हो, अनाउंसमेंट हो तो अनाउंसमेंट भी देख सकते हो ट्विटर या टेलीग्राम को ज्वाइन करके। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा रिव्यू था, और मैं अब इसके प्राइस एक्शन के बारे में बता रहा हूँ आपको। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 8 सेंट गया है ऑलरेडी, सॉरी $8 ऑलरेडी जा चुका था ये एक साल पहले की बात है। जो ऑल टाइम हाई जाने के बाद ये बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आया क्योंकि बियर मार्केट आ गई थी फ्रेंड। ऑल टाइम लो इसका एक साल पहले ही था 0.008, ठीक है, लेकिन जो उससे ऊपर है ये 3631, मतलब 3600% ऊपर है, तो समझ लो 36 गुना ऊपर है अभी, ठीक है, 36x ऊपर है। तो अभी ये इसके ऊपर थोड़ी सी ने हाइप क्रिएट की थी, तो ये ऑल टाइम हाई 32 गया था, उसके बाद नीचे आया क्योंकि बिटकॉइन यू नो ऊपर जाके भी थोड़ा नीचे आया है, बिकॉज यू नो छोटी सी हाइप बनी थी, बुल मार्केट आई थी, बुल्स आए थे थोड़े से और फिर नीचे, क्योंकि बुल्स वीक हो गया ऊपर जाके, उसके बाद उसको नीचे आना पड़ा। तो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन है कि आप ये पूछोगे मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट करना अच्छा है कि नहीं है। देखो बेकरी टोकन की बस एक खास बात मुझे ये लगती है, सब कुछ तो आपको बता दिया पैनकेक स्वैप की तरह ही है, लेकिन इसकी जो टोकन की सप्लाई है वो बहुत कम है, 277 मिलियन, तो मतलब हाफ बिलियन भी नहीं है, 277 मिलियन है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सरवाइव करता रहा और लॉन्ग टर्म इसने अच्छा गेन दिया तो बहुत अच्छा जा सकता है। अभी 31 सेंट है, मैं यू नो 3 साल के अंदर बहुत अच्छा दे सकता है अगर आपने इसमें इसके प्रोजेक्ट के अंदर। स्वैप का तो कोई मतलब ही नहीं बनता बिकॉज पैनकेक स्वैप है, तो इसमें स्वैप का तो कोई रीजन ही नहीं कि स्वैप का ऑप्शन यूज करने का, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टेकिंग यूज कर सकते हो, जो स्टेकिंग मैंने ऑलरेडी बताई, जो इसकी जो स्टेकिंग ब्रेड वाले फंक्शन में है ना जिसमें अर्निंग, तो ये जो ब्रेड के ऑप्शन में इसकी जो स्टेकिंग दी गई है केवल एक यही समझ में आती है, यही थोड़ी सी ठीक ठाक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके डिपॉजिट बेक कर सकते हो, अर्न बेक कर सकते हो, ROI आपके सामने होगी, अभी दिख नहीं रही है तो इसलिए मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। तो ब्रेड वाला ऑप्शन है, ये यूज कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, बस इतना ही है फ्रेंड। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट है पैनकेक स्वैप का, लेकिन पैनकेक स्वैप है और बेकरी स्वैप है, ठीक है। मैं ज्यादा रिकमेंड तो नहीं करूंगा, अगर आपको फिर भी ये ठीक ठाक लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पार्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इसकी टोकन सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। जब ये बुल मार्केट आएगी, अगर ये ऑल टाइम हाई को इजीली क्रॉस कर जाएगा ये तो पक्का है, और भी ऊपर जा सकता है बिकॉज इसकी आई थिंक बर्निंग हुई है या क्या हुआ इसका, आप इसके ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो उनसे कोई क्वेश्चन, टेलीग्राम में जा सकते हो। तो इसकी जो सप्लाई है मुझे बहुत कम लगती है, ठीक है। वैसे इसकी जो स्टेकिंग के रिवार्ड भी कम होंगे बिकॉज सप्लाई जब टोकन ही नहीं है तो स्टेकिंग रिवार्ड भी कम होंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा रिव्यू था फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you very much. Have a good one. Take care. Bye-bye.